अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपको ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में सबसे बिगेस्ट ट्रेलर ट्रांसपोर्ट करके दिखाएंगे। और जो हमने रूट लिया है टेरिमोला टू क्वेरा, इस रूट में सबसे ज़्यादा ब्रिज कह लें, टोल गेट कह लें, कंट्री क्रॉसिंग कह लें, सबसे ज़्यादा हैं। और हमने ये रूट इसलिए लिया है कि जो हम ये सबसे बिगेस्ट ट्रेलर ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, क्या हम इन ब्रिज से इनको क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इसमें ये ट्रेलर हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, बहुत इशू आता था। तो अब डेवलपर ने इसको फिक्स कर दिया है, तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो जब हम टेरिमोला से शुरू करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ये जो ब्रिज आता है, और वो ये वाला ब्रिज है, ब्रिज इसको कह लें या टनल वगैरह कह लें, जो भी कह लें ठीक है, लेकिन हम इससे इसको क्रॉस करके देखेंगे। तो ये जनाब इजीली इससे जनाब ट्रांसपोर्ट जो ट्रेलर हम कर रहे हैं इजीली गुजर जाता है, कोई इशू नहीं आता। ये देखें आपके सामने है, मैं मुकम्मल आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको कोई बाद में मसला ना बने। ये देखें बिल्कुल इजीली गुजर जाता है, कोई इसमें मसला या कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो इसमें सिर्फ एक ही मसला आता है जब हम गैस स्टेशन में जाते हैं। ये देखें जब हम, मैं यहाँ गैस स्टेशन पे आ गया और यहाँ पे ये ट्रॉला हम ट्रांसपोर्ट मतलब आगे से नहीं लेके जा सकते। यहाँ देखें ये टक्कर खा जाता है, यहाँ पे आके हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और उसके बाद इसको रिवर्स करके बैक करके दोबारा हम बैक जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं गुजर सकते। ये देखें मैंने दोबारा भी ट्राई की लेकिन यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जा सकते, हमको दोबारा वापस आना पड़ा और फिर जहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो और यहाँ पे फेरी आ गई हमारी, एक बोट कह लें, कश्ती कह लें, इससे भी हम इसको गुजार के देखते हैं क्या ये यहाँ से भी इजीली गुजर जाता है या नहीं। पहले तो यहाँ पे गुजर जाता था, मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर ट्राई कर लें, आपको भी पता चल जाए। तो यहाँ से भी बिल्कुल इजीली गुजर जाता है। अच्छा, इस रूट में सबसे ज़्यादा ब्रिज हैं, मैक्सिमम ही 8 या 9 कह लें, अभी हमने 3 तो देख ली है ना। तो यहाँ पे देखें एक ये ब्रिज आ गई, और इस ब्रिज से भी पहले तो क्रॉस बिल्कुल नहीं होता था, ट्राला ब्रिज के साथ अटक जाता था। तो अब पता नहीं होता है या नहीं, ये देखें यहाँ से ऐसा ऐसा गुजारेंगे कि कोई, ये देखें बिल्कुल इजीली गुजर जाता है, इसमें भी कोई मसला नहीं आ रहा। ये देखें बिल्कुल आपके सामने इजीली गुजर गया, पहले इससे नहीं गुजरता था। तो यहाँ पे कंट्री क्रॉसिंग आ गई, यहाँ से ये लाइट जो लगी है ये LED, यहाँ पे भी इजीली गुजर गया। और इससे आगे जो ये वाला ब्रिज है, रोड है, इससे भी नीचे मतलब जो न्यू बनाई है ना डेवलपर ने, उनके नीचे से भी गुजर जाता है बिल्कुल इजीली, ओल्ड से भी गुजर जाता है। सिर्फ एक मसला आ रहा है गैस स्टेशन का, तो उसका इतना इश्यू नहीं है, अगर ना भी हो ना वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये कस्टम ऑफिस है, तो कस्टम ऑफिस के नीचे से भी देखते हैं, यहाँ से मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि शायद हो सकता है यहाँ से ना टक्कर खा जाए। ये चेक करें बिल्कुल यहाँ से भी मेरे ख्याल में इजीली गुजर गया के, ये भी यहाँ से भी इसके अंदर कोई मसला या कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ से भी इसके अंदर इजीली गुजर गया, ये चेक करें। तो मतलब पहले एक दो ब्रिज थी जिनके अंदर से ना ये ट्राला नहीं गुजरता था, अब डेवलपर ने उन तमाम को फिक्स कर दिया है। अब आप जिस भी रूट से ये लॉन्गेस्ट बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट ट्राला लेके जाएंगे ना, आप वहाँ से इजीली गुजर जाएंगे, आपको मसला कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ से आगे भी एक ब्रिज आ रही है, उसके भी नीचे से गुजारते हैं और देखते हैं कि वहाँ से भी एक गुजर जाता है या नहीं। तो यहाँ से भी ये उम्मीद तो है मुझे गुजर जाएगा। अच्छा, ये आगे ना वो आ रहा है टूल गेट, टूल गेट से मेरे ख्याल में ये मुश्किल से गुजरेगा क्योंकि टूल गेट वो बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ से ये ना गुजरे। एक ये ब्रिज है, इसके भी अंदर से ये गुजर गया, इसका भी कोई मसला नहीं बना। तो एक ये ब्रिज आ गई है, इस रूट पर सबसे ज़्यादा ब्रिज है, मैंने आपको इसलिए ये रूट दिखाया है कि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रिज है, कोई ब्रिज में कोई मसला ना आए किसी भी, क्योंकि इतनी ब्रिज किसी और रूट में नहीं है। तो इस ब्रिज के भी नीचे से ये इजीली गुजर गया, टेरिमोला टू क्वेरा, ये मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, वे ओला का ट्रक है और सबसे बिगेस्ट ट्रेलर है, ये भी एक ब्रिज आ गई, इसके भी ब्रिज के नीचे से इजीली गुजर जाता है, ये चेक करें। मतलब आप कोई भी रूट लें कि ना इस ट्रेलर के साथ, वो इजीली यहाँ से गुजर जाएगा। अच्छा, जब हम टूल गेट पे आते हैं, इन तीन चार जो छोटे टूल गेट हैं इनके नीचे में से ये ट्रेलर नहीं गुजरता, ये चेक करें। मैंने एक दो दफ़ा ट्राई की,
लेकिन इनके नीचे में से ये ट्रेलर नहीं गुजरता। और जो साइड पे रोड बना है जो बिल्कुल लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए है, उसके नीचे से ये ट्रेलर गुजर जाता है। और यहाँ से जो छोटे छोटे जो टूल गेट हैं ना, यहाँ से ये नहीं गुजरा छोटे रोड से। तो यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल ये इजीली गुजर जाएगा। ये चेक करें, यहाँ से बिल्कुल कोई मसला या कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये चेक करना, अच्छा अमेजिंग किस्म का यार ये टूल गेट बनाया, और जो ऊपर LED लाइट लगाई हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये चेक करें यार, इसके नीचे से बिल्कुल इजीली गुजर जाएगा, कोई मसला या कोई परेशानी नहीं बनी। ये चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि हम कोई भी रूट लें, जब ये बिगेस्ट ट्रेलर हो तो हमारा रास्ते में कोई मसला या कोई परेशानी नहीं बनेगी। क्योंकि पहले जब आपको कैंसिल करना पड़ता था तब जाकर हम इस ट्रेलर को पहले कल ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाते थे कि रास्ते में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। एक या दो रूट थे सेफ, अब आपको आर रूट सेफ मिलेंगे। यहाँ पर भी लेकर जाएँ कोई मसला नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।